देखते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट आई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, ठीक है, अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या दिखते हैं, ये 5 अक्टूबर से हो गया है फॉर्म डालना स्टार्टिंग, ठीक है, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन ये 10 नवंबर दिखा रहा है, कंप्लीट फॉर्म को 11 नवंबर, और रिजल्ट और मेरिट लिस्ट कब आएगा 15/11 को, हाँ 15 नवंबर को आ जाएगा मेरिट लिस्ट का। तो जरा अगर ओबीसी वालों के लिए एप्लीकेशन फीस फ्री है और एससी एसटी वालों के लिए भी 0/0 दिखा रहा है ना, मतलब कोई भी यहाँ जाकर फ्री में डाल सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका लास्ट डेट के जस्ट 4 दिन बाद ही मेरिट लिस्ट यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, बहुत सारी पोस्ट है आईटीआई वालों से रिलेटेड, 10+ का दिखा रहा है, 10+2 का दिखा रहा है, बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है, तो एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है ये लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या बोला है, क्लास 10th एग्जाम पास बोला है ना, और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कोपा, ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट इन कोपा। और देखा है ड्रॉट्समैन सिविल के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट इन ड्रॉट्समैन सिविल ट्रेड इसका होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का आईटीआई तो है ही, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मैकेनिक तो आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से फिल्टर सॉरी फिटर फिटर में आईटीआई सर्टिफिकेट इन फिटर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आईटीआई इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फायर सेफ्टी टेक्नीशियन और ऑयल गैस ऑयल एंड गैस, ठीक है, तो आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड। देन मैकेनिस्ट का आईटीआई सर्टिफिकेट इन मैकेनिस्ट ट्रेड और मैकेनिक मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड। देन दिखा रहा है मैकेनिक डीजल, आईटीआई सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक ट्रेड। फिर दिखा रहा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजी, ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, ठीक है। देन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी से भी आया पैथोलॉजी से भी आया, ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी भी आया इसमें, आईटीआई सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ठीक है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, तो दिखा है ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग। देन स्टेनोग्राफर के लिए भी आया है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश ट्रेड, ठीक है। उसके बाद है सर्वेयर, ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट सर्वेयर ट्रेड। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या दिया है, इसके बाद और भी है ई वेलर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक आईटीआई सर्टिफिकेट एंड द ट्रेड ऑफ वेल्डर, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आया है केमिकल प्लांट, बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री फील्ड में, ठीक है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंट्स रिलेटेड कॉमर्स तो होगा, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स इसमें से ग्रेजुएशन मंगा है, ठीक है। स्टोर कीपर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बैचलर डिग्री होना चाहिए इससे भी रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव मतलब कोई सा भी बैचलर डिग्री। एग्जीक्यूटिव दिखा रहा है एचआर बीबीए डिग्री, ठीक है, बीबीए डिग्री के लिए और सेक्रेटरियल असिस्टेंट बैचलर डिग्री कोई सभी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर डिग्री कोई सभी, और फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग बीटेक और बीएससी फायर सेफ्टी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के दिखा रहा है एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट कंप्यूटर, ठीक है, इसमें कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव सिविल एग्जीक्यूटिव सभी के लिए ग्रेजुएट 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 बोला गया है। इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेशन और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव सॉरी मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव सभी के लिए ग्रेजुएट 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 तो दिखाते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव सिविल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल पेट्रोलियम और मैकेनिकल इन सब के लिए इतना के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो 3 ईयर डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। इतने के लिए ये था बैचलर डिग्री चाहिए था, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए बैचलर विथ जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं ONGC अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी टोटल मतलब डिटेल्स का दिया है, ठीक है। टोटल सीट कितना है 2236 पोस्ट है, ठीक है। ये सेक्टर यहाँ दिया है, नॉर्थ सेक्टर में कितना सीट है तो 161 सीट है, मुंबई सेक्टर में कितना है 310 सीट है, और वेस्टर्न सेक्टर में है 547, और ईस्टर्न सेक्टर में है 583, साउथर्न सेक्टर में है 335, सेंट्रल सेक्टर में है 249, ठीक है। तो ये रहा आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी, और 10+12 वालों के लिए भी, और इनके पास बैचलर डिग्री है और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जस्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा 15 नवंबर को है, लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, और 10 नवंबर को फ्री है चार्जेस में, कोई फीस नहीं ले रहा, ठीक है। यहाँ एज लिमिट भी देख लेते हैं, एज दिखा रहा है यहाँ मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 24 ईयर, ठीक है। कैंडिडेट एज बिटवीन 25 अक्टूबर 2002 और 25 अक्टूबर 2006, ठीक है। यहाँ तक से एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब 2000 में जिन्होंने 2000 में जो लोग हुए हैं वो लोग भी डाल सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट यही है 24 तक का, देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।